खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा, हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर बीजेपी विधायक ने दिया जांच का आदेश। आपको बता दें कि यूपी सरकार की नकल संस्कृति पर साफ रोक के बाद भी कौशाम्बी में परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का ताजा मामला सामने आया है। मामला मंझनपुर विधानसभा के दिलीप सिंह इंटर कॉलेज का है, जहां पर टीचर और प्रिंसिपल ने दलित छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर 350 रुपये प्रति छात्र की वसूली का खेल बेखौफ होकर खेला। पीड़ित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की मनमानी से तंग आकर जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ डीएम मनीष कुमार से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन इन पीड़ित छात्रों से अधिकारियों की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद छात्रों ने मंझनपुर के बीजेपी विधायक लाल बहादुर से मिलकर अपनी शिकायत बताई। छात्रों ने अपने शिकायत पत्र में साफ आरोप लगाया है कि वह पढ़कर परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनसे अवैध वसूली कर नकल की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इस पूरे मामले पर मंझनपुर के बीजेपी विधायक लाल बहादुर का कहना है कि उन्हें छात्रों का शिकायती पत्र मिला है, इस पर वह अधिकारियों से कॉलेज की जांच करवाएंगे। शिकायत यदि सही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की जाएगी। दिलीप सिंह इंटर कॉलेज बाखरगंज गुरादू की कौशाम्बी के छात्र हैं। हम 10वीं में हैं इस बार, और 2 महीने पहले उन्होंने हमसे फीस ले चुके हैं 180 रुपये, और फीस फिर मांग रहे हैं सर। तो हम लोग उनसे पूछे कि क्यों आप फीस क्यों मांग रहे हैं ऐसे, अभी हम 2 महीने पहले आपको फीस दिए हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें फीस लगेगी, तुम फीस क्यों नहीं दे रहे हो। तो हम बोले कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से फीस दे पाए, अभी 2 महीने पहले तो हम फीस दिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, हरजन का प्रयोग करते हुए गालियां भी दी कि हराम जादो बदतमीजो मर जाओगे, बीछी गोजर कुछ नहीं जानने पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा हमें। अगर प्रैक्टिकल में पैसा नहीं दोगे तो? जी सर, और ये बोले कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे, फीस नहीं दोगे, तो मैं प्रैक्टिकल में तुम्हें फेल कर दूंगा, ऐसा उन्होंने बताया है सर। ऐसा कहते हुए कहाँ शिकायत की सर? मैं डीएम ऑफिस भी गया, और सर डीआईओ के पास भी आया, वहाँ मौजूद भी नहीं है, और वहाँ कितने बच्चे ऐसे प्रभावित हैं? जी सर, मेरे क्लास के पूरे शायद पूरे छात्र ऐसे प्रभावित, 80 कास्ट के जितने भी छात्र हैं सब ऐसे होते हैं। मिली है और इसकी सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाएगी, अगर अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसको कार्रवाई। स्कूल से जुड़ा हुआ वो दलित का भी चीज कह रहे हैं। हाँ, ये जो भी बातें हैं, जो भी बच्चों ने बताया एप्लीकेशन में लिखी है, इस पे जो भी इससे संबंधित अध्यापक है या प्रधान अध्यापक है, अगर ऐसी बातें हुई है तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बदलाव का दौर है, बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन पर फिर से थोपा जा रहा है कि आप पैसे दीजिए, क्या नहीं लगता कि गलत? नहीं, गलत तो ये सही बात है, यदि ऐसा किया गया है तो गलत है। अभी तो जाँच में ही पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। बच्चों ने बताया कि भाई इस तरह से हमारे साथ अभद्रता की गई है, और यदि ऐसी अभद्रता की गई किसी अध्यापक द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा, तो इसकी सक्षम अधिकारी से जांच करके कार्रवाई करें।